वे हमारे मैडम ने किसको वोट डाला मालूम नहीं, वोट डाल के जंग जिंका है। आप भी घर से बाहर निकलिए और वोट डाल के जंग जिंक लीजिए। जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी, धर्म पत्नी और मैं दोनों साथ में मिलकर हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। आप भी हमारे साथ चलिए। लोग निकल रहे हैं हमारे घर से वोटिंग के लिए। हमारे घर से निकलते वक्त यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर आता है और ये मंदिर का हम दर्शन करके जाएंगे। और आप लोग देखिए दोस्तों, ये पुणे का हड़प्सर का एरिया है। मैं निकल रहा हूँ पुरसिंगे रोड से हड़प्सर। और ये देखिए संभाजी महाराज का इस तरह का चल रहा है। हमारा पुणे का व्यू देखिए कितना सुंदर है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संत महाराज की जय हो। वाह, क्या पहाड़ों का राज्य है पुणे सिटी। बहुत सुंदर है, बहुत निसर्ग रम्य है। वाह वाह वाह, क्या बात है। रोड में ऐसे पेड़ के छावे बहुत सुंदर लगते हैं, है कि नहीं। अभी हम जा रहे हैं। तो अभी यहाँ इस पेट्रोल पंप पे डीजल भरा, पेट्रोल भरा है। अभी यहाँ पे प्यास लगी है तो पानी पी रहा हूँ। ये देखो बीबी पानी पी, पानी पानी पी रही है। तो बहुत धूप है यार, हवा भी भरने का है, बहुत धूप। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं कल्याणी नगर। कल्याणी नगर में देखिए कितना जबरदस्त सॉलिड मेट्रो का काम चल रहा है। अभी देखिए दोस्तों, हम हड़प्सर से आए, हड़प्सर गंगानगर से। तो हमको जाना है वोटिंग करने विश्रांतवाड़ी टिंगरे नगर। तो हम इस रोड से इसलिए आए कि ये रोड हमको थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। इसलिए जाते जाते सोचा कि आप लोगों को पुणे का मेट्रो, पुणे का थोड़ा व्यूज़ दिखा सके। इसलिए हम दोस्तों यहाँ हम आपको व्लॉग्स में ये सब दिखा रहे हैं। आप प्लीज़ शेयर कीजिए।
कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, ये सब्सक्राइब ही हमारा जोश है, हिम्मत है। दोस्तों अभी मैं विश्रामवाड़ी में आया हूँ, अभी विश्रामवाड़ी का व्यू है। अभी वोटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी वोटिंग के टाइम पे ये देखिए दोस्तों, विश्रामवाड़ी का बस स्टैंड है इस तरफ का, ये सब ऐसा इतना सुंदर सुंदर नज़ारा है इधर, देख लीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरी बीबी का नाम आ गया है, अभी हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो आप भी चलिए, मेरी बीबी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ वोटिंग करिए, आप भी वोटिंग करिए। तो क्या बोल रही है? आप भी वोटिंग करिए, हम भी जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक चलो। तो देखो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ, जा रहा हूँ, आप भी देख लो। अभी तो बहुत डेवलप है। कहाँ पे? इधर स्कूल था। अरे वाह, बचपन गया आपका, बचपन गया इधर, क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करता हूँ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit. मैडम ने वोट केलेला आहे, कोणाला केलं माहित नाही पण केले। चला, जंग जिंकलेला आहे आम्ही, तुम्ही पण जंग जिंका, घरातून बाहेर पडा आणि वोट घाला, काय म्हणता मॅडम? दोस्तों विद्यानगर में आया हूँ, यहाँ पे टिंगरे नगर विद्यानगर में मेरी बीबी का वोटिंग का आया। उधर इस तरफ दिख रहा है, उधर आगे जो लाल उधर नंबर दे रहे, इतना अच्छा व्यू है। नहीं देख, गाड़ी आमची कसं झालं, हमारी गाडी देखो भाई कैसा रुकेल।
तो अभी मेरा वोटिंग का बारी आया है। मैं आया हूँ इंद्रे नगर 6 नंबर वार्ड, और मैं जा रहा हूँ जिस स्कूल में मेरा नंबर आया है, मैं उधर जा रहा हूँ वोटिंग के लिए। देखिए इंद्रे नगर 6 नंबर पे कितना डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए सब। क्या मालूम नहीं, अभी गाड़ी वीडियो लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी अंदर गया था, मेरा वोटर कार्ड और पैन कार्ड का चेक किया तो मेरा नंबर नहीं आया यहाँ पे। देखेंगे अभी आगे क्या होता है, मेरा तो वोटिंग नहीं हुआ। मैं अभी फिलहाल वापस घर जा रहा हूँ, तो जाते जाते येरोडा जेल के इधर का शूटिंग ले रहा हूँ। आप भी देख लीजिए, आनंद लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी दोस्तों मैं घर जाते वक्त आया हूँ येरोडा। येरोडा में देखिए फेमस है बिजनेस बे कंपनी, यहाँ पे है मास्टर कार्ड आईटी कंपनी है, डस बैंक आईटी कंपनी है, HSBC आईटी कंपनी है, ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनी है। यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बगल में यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे 5 स्टार लग्जरी होटल्स यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए एयरपोर्ट यहाँ से बहुत नज़दीक है, स्टेशन नज़दीक है, यहाँ से बहुत 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 सुविधा केंद्र हो गया है सभी विजिटर्स के लिए। पुणे में आने के बाद यहाँ पे आप रुक सकते हो। ये होटल है देखिए, इस होटल में आप रुक सकते हो। ये बहुत 5 स्टार स्टैंडर्ड होटल है, बहुत अच्छा अच्छा सुविधा यहाँ पे मिलता है। अभी ये देखिए इसके बगल में है डस बैंक है, मास्टर कार्ड है, HSBC बैंक है, ये सब बड़े बड़े IT कंपनियाँ यहाँ पे बने ले। येरोडा में इतना फेमस, इतना सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पे जॉब का कोई कमी नहीं है। हर क्षण एक काम छोड़ेगा तो एक काम मिल जाता है आराम से। तो हम आगे अभी जा रहे हैं येरोडा, येरोडा का मेट्रो स्टेशन। अभी आगे दोस्तों येरोडा का मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो येरोडा का मेट्रो कैसा बना है, यहाँ पे येरोडा का स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा हो गया, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बर्न गार्डन है, ये बर्न गार्डन का इतना सुविधा हो रहा है। यहाँ बहुत पहला कचरा रहता था, बहुत गंदा रहता था, अभी देखिए दोस्तों इधर कितना सुधारना किया है, कितना सुंदर दिख रहा है। नाइट में आएगा ना इधर, लाइट का लोकेशन इतना ज़बरदस्त लगता है ना, आप भूलिए मत। आप प्लीज़ यहाँ पे आके नज़ारा देख लीजिए बर्न गार्डन का, यहाँ पे बहुत सुंदर दिखता है नाइट में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नदी का सुधारना हो रहा है, अगल बगल में सुधारना कर रहा है, पर्यटन स्थल का व्यवस्था कर रहा है, बहुत अच्छा भारी हो रहा है यहाँ पे। आप एक बार यहाँ पे विजिट करके देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कल्याणी नगर पूरा खाली खाली, इलेक्शन के वजह से पूरा रोड खाली खाली, पुणे में पूरा खाली खाली, मेरा दिल खाली खाली। अभी दोस्तों ये पुणे स्टेशन में वाडिया कॉलेज आता है, बहुत फेमस वाडिया कॉलेज है, यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है।
देख लीजिए यहाँ पे आके। और दोस्तों यहाँ पे पूना स्टेशन बहुत नज़दीक है, पूना स्टेशन से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे इधर उधर। ये ते राहिल समता ते हुईल समृद्धि। वाह क्या बात है भाई। जहाँ रहते है संत वहाँ रहती है समृद्धि। ये पुना का पुना में रहने वाले जो संत है उनकी कृपा आशीर्वाद से यहाँ का खूब सारा समृद्धि है, संपत्ति है, नौकरी है, दौलत है, धन है, सब है। ये देखिए दोस्तों पुना में कितना सुंदर, कितना पुराने पुराने यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वट वृक्ष हैं, कितने पुराने ऐसे पेड़ है जो गिन नहीं सकते। बहुत अच्छा यहाँ का सरकार ने संभाल के रखा है, बहुत अच्छा लगता है। इतने धूप है इस इन पेड़ों के नीचे से अगर हम जा रहे तो ऑक्सीजन ठंड लगता है, रुकने का दिल कहता है, बैठने का दिल कहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये है पूना कितना सुंदर, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अभी हम मिलिट्री एरिया से पार होकर अभी हम आ गए हैं रेसकोर्स से नज़दीक। अभी आगे चलते चलते देखिए रेसकोर्स है। रेसकोर्स को तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और शूट करके आप सबको मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा। आप बस बने रहिएगा मेरे व्लॉग्स में। ये मेरा नहीं है, ये आपका व्लॉग्स है। आपको जो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप ही हो मेरा सब कुछ, आप ही हो मेरा सब कुछ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों हम फातिमा नगर में आए हैं। ये फातिमा नगर का चर्च है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आते हैं। ये बहुत फेमस चर्च है। ये फातिमा नगर में आता है, इसके बगल में आता है रेसकोर्स। और यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं फातिमा नगर। फातिमा नगर होके हम जाएंगे सीधा नोबेल अपना इधर हड़प्पा। हड़प्पा से सीधा जाएंगे गंगानगर। गंगानगर में भी हमारा घर आता है, वहाँ पे आता है बिकराय नगर, गंगानगर। जी 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 आ गई दूर चली जाई हम, तूने तुझको देखा जा
हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग घर से निकलिए, जाइए, वोट डालिए और अपना अधिकार, अपना मत जताइए। धन्यवाद।